हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। हाँ जी, हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। वो क्या, मैं साइड में लिख देता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोर थीटा, कोसिकेंट थीटा और क्या है, सिकेंड थीटा। ठीक है दोस्तों, ये छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। जैसे इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। हाँ जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंगल बी है ये क्या एक 90 डिग्री एंगल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं, एक होता है हाइपोटेनियस। मैं इसको एच से लिख रहा हूँ, एच से। एच का मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, या हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। और दूसरा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और तीसरा क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है दोस्तों, अभी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस क्या होते हैं, आइए समझते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, जो साइड 90 डिग्री के एंगल, ये 90 डिग्री एंगल बी है ना, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, एसी साइड है। ठीक है दोस्तों, ये होती है मेरी हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ये तो होती है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। अब बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं। अगर मैं एंगल मान लीजिए, एंगल मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, मैं एंगल को यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, जो इसको इसके बिल्कुल सामने वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड क्या है दोस्तों, ए बी है। ठीक है, अगर मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है। इसके अलावा क्या रह गया, तो बेस क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, एक और लेते हैं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और लेते हैं, सेम नेम दे लेते हैं इसको, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ये तो हाइपोटेनियस है क्योंकि ये एंगल ये क्या 90 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए इस टाइम एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। अब मैंने बोला जहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड बिल्कुल वो परपेंडिकुलर होती है। अब एंगल यहाँ से मेजर हो रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, अब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बेस है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा परपेंडिकुलर और बेस कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है तो हाँ जी, एंगल मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, मान लीजिए एंगल ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रिलेशन होता है, इसके साइड में क्या रिलेशन होता है। हाँ जी, उसके लिए एक ट्रिक होती है, बड़ी फेमस ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ। ट्रिक क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, आइए ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं। परपेंडिकुलर, पी पी का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, बेस, ये बेस है, बी फॉर बेस, बेस बटे हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, हाँ जी, और उसके बाद ये हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है दोस्तों, और हाइपोटेनियस बटे बेस क्या होता है, सिकेंट थीटा। ठीक है, और बेस बटे टेंजेंट, बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, मैं साइड में भी लिख देता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, कोस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोट थीटा क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों,
सिकेंड थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बटे बेस। और कोसिकेंड थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये रिलेशन होता है। ठीक है, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, उनके लिए भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक है लाला आया लाला कच्चे कच्चे आम। ठीक है दोस्तों, कैसे रीड करेंगे, कैसे याद करेंगे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण वही है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर का लंब और हाइपोटेन्यूस को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, लंब बटे आधार टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, कर्ण बटे लंब ये क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। हाँ जी, कर्ण बटे आधार सिकेंट थीटा और आधार बटे लंब कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है वो उसको ऐसे याद कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ आएगा राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रिलेशन होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब समझते हैं, जो ये साइन थीटा और कोस थीटा को छोड़कर ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ठीक है दोस्तों, इनको साइन कोस की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारे पास छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टेन थीटा को साइन कोस की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, आइए देखते हैं। हाँ जी, टेन थीटा साइड में लिख देता हूँ मैं। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा को साइन कोस की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? इसको लिखा जाता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस इस तरह से किया जाता है। ठीक है, कोट थीटा को किस तरह से लिखा जाता है? कोट थीटा को लिखा जाता है कोस थीटा बाय में साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, उसका सिकेंड थीटा को किस तरह से लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है वन बाय कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोसिकेंड थीटा क्या लिखा जाता है? वन बाय साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कोस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, टेन थीटा को वन बाय कोट थीटा भी लिखा जाता है। सेम ऐसी अगर कोट थीटा इस तरफ चल जाएगा तो टेन थीटा यहाँ देगा, इसको वन बाय टेन थीटा भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन और कोस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन और कोस की फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।